महान क्रांतिकारी अमर शहीद भगत सिंह की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह द्वारा कार्यकर्ताओं ने बेतिया हाता स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया, जिसके संबंध में विधान परिषद सदस्य एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि बलिदान से आजादी की अलख जगाने वाले महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह की बताए हुए मार्गों पर चले, यही प्रेरणा हम सबको मिले। भगत सिंह जी भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इनके त्याग तपस्या के बदौलत ही देश को आजादी मिली। हम सभी को इन सेनानियों ने जो सपना देखा था उसको पूरा करने के लिए संकल्पित होना चाहिए, यही इन महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मां भारती के वीर सपूत देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीद भगत सिंह का जन्म दिवस मना रहे हैं। भगत सिंह ने अपना जीवन त्याग अंग्रेजी शासन के प्रभुत्व के खिलाफ और देश को दासता से मुक्त कराने के लिए किया था। देश के प्रति इनकी सच्ची निष्ठा और अटूट भक्ति करोड़ों भारतीयों को प्रेरित करती रहेगी और उनको हमेशा यह देश याद करता रहेगा। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन, महानगर महामंत्री अच्युतानंद शाही, मंडल उपाध्यक्ष सिद्धांतो घोष, आशुतोष पांडे, मनीष चंद्र पांडे, राजेश सिंह, सचिन गुप्ता, कृष्ण कुमार, अजय सिंह, अंकित गुप्ता, गजेंद्र सिंह सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के विधान परिषद सदस्य एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, भारत माँ को आज़ादी दिलाने वालों में एक नाम जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत माँ के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया, ऐसे शहीद भगत सिंह जी की जन्म जयंती है। पूरे देश भर में शहीद भगत सिंह जी को याद किया जा रहा है। 3 दिन पहले जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात कहते हुए उन्होंने शहीद भगत सिंह जी को याद किया था और उन्होंने कहा था कि ये स्वर्णिम दिन है जब भारत माँ की आज़ादी में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले भगत सिंह का जन्मदिन जहाँ 28 तारीख को आज पूरा देश मना रहा है, वहीं चंडीगढ़ का एयरपोर्ट आज शहीद भगत सिंह जी के नाम से देश को समर्पित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर महानगर के सभी कार्यकर्ता महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी के नेतृत्व में आज शहीद भगत सिंह जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किए हैं, उनको पुष्पांजलि किए हैं। उनको हमेशा यह देश याद करता रहेगा। हमारे बीच में भगत सिंह नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो देश के लिए किया है वो हमेशा युवाओं के लिए प्रेरणा रहेगा। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके श्री चरणों में पुष्पांजलि करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।